हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द हिंदी क्लास स्टैंडर्ड 4। आज हम पढ़ेंगे पाठ 4, पशुओं की महासभा। जंगल का राजा शेर कल ही निकट के नगर में चल रहे सर्कस के पिंजरे से किसी तरह भागकर जंगल में लौटा है। साल भर वह 8 फुट लंबे 8 फुट चौड़े पिंजरे में बंद रहा। भूख प्यास से व्याकुल उसने नार की यातनाओं भरा जीवन जिया। वह बहुत दुबला हो गया। उसकी व्यथा सुनकर सिंह परिवार ने जंगल के सभी पशु पक्षियों की महासभा बुलाई है, जिसका संचालन सिंह परिवार के शुभचिंतक जिराफ कर रहे हैं। तो ये कहानी किसकी है? पशुओं की, जिसमें पशुओं के राजा शेर जो गया है, जिसे कौन ले गया था? सर्कस वाले पकड़ कर ले गए थे और वो उसे एक पिंजरे में रखते थे। वहाँ से वो भाग आया है किसी भी तरह। तो वो अपनी व्यथा बता रहा है कि किस तरह उसे भूखा प्यासा रखा जाता था और नरक की तरह यातनाएं दी जाती थी, यानी उसे परेशानियां दी जाती थी, और जिसकी वजह से वह क्या हो गया है, दुबला हो गया है। तो यह सुनकर जंगल के सभी पशु पक्षियों की क्या बुलाई गई? सभा बुलाई गई। और इस सभा का संचालन करने वाले कौन थे? जिराफ। जिराफ बंधुओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज की यह सभा महासभा वनराज सिंह के मनुष्य की कैद में अपने राज्य में वापस लौटने की खुशी में स्वागत समारोह के रूप में बुलाई गई है। पहले वनराज आपके सम्मुख 2 शब्द अपने संबोधन में कहेंगे, उसके पश्चात जिन मुख्य वक्ताओं से मैं आग्रह करूंगा, उनके संबोधन से आपको लाभान्वित होने का अवसर प्राप्त होगा। तो जिराफ सभा बुलाकर महासभा शुरू करता है और कहता है कि सबसे पहले वनराज सिंह के बारे में बताएंगे, जो मनुष्य की कैद में रहे थे और वापस से वापस लौटकर आए हैं, तो उनके स्वागत में ये सभा बुलाई गई है। तो सबसे पहले वनराज आपको कुछ शब्दों में अपना संबोधन करेंगे और फिर उसके बाद जो भी वक्ता हैं, मैं आग्रह करूंगा कि संबोधन से आपको लाभान्वित होने का अवसर प्राप्त हो। सभी पशु जिराफ की बात पर तालियां बजाते हुए खुशी से शोर मचाते हैं। शेर अपने स्थान से उठता है और पंजा उठाकर सबको शांत हो जाने का संकेत करता है। वनराज, मेरे प्रिय प्रजा, आप सबका अभिनंदन है। अपने राजा के प्रति प्रेम प्रकट करने के लिए मैं आप सभी से अत्यंत प्रसन्न हूँ। पिछले वर्ष एक सर्कस कंपनी के कुछ जल्लादों ने मेरा अपहरण कर लिया था। उस समय की बात है जब मैं दोपहर के समय एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहा था। उन्होंने राइफल से बेहोशी का इंजेक्शन मुझ पर दागा। वे मुझे बेहोशी की अवस्था में एक छोटे ट्रक में उठा ले गए और पिंजरे में बंद कर दिया। तो जो वनराज राजा है, मतलब शेर, वो क्या है, अपनी सारी बात बताते हैं कि किस तरह वो सर्कस में पहुँचे। वो बताते हैं कि एक दिन वो पेड़ के नीचे सो रहे थे तो राइफल से उन्हें बेहोशी का क्या दिया गया, इंजेक्शन, जिससे वो बेहोश हो गए और बेहोशी में ही उन्हें ट्रक में डाला गया और पिंजरे में बंद कर दिया गया। वहाँ मुझे कितनी यातनाएं दी गई, मैं वर्णन नहीं कर सकता। मुझे एक समय थोड़ा सा मांस खाने को दिया जाता और सर्कस में दिखाने वाले कर्तव्य सिखाने हेतु घंटों पीटा जाता। मैं इतने बड़े वन का राजा कि जहाँ तक चाहे खुले आसमान के नीचे विचरण कर सकूं, वहाँ मुझे छोटे से तंग पिंजरे में रखा जाता। मैं क्रोध से दहाड़ता, पीड़ा से कराहता, परंतु दया के बहाय आवरण में लिपटा मानव कितना निर्दयी है, मैं वहाँ जान पाया। वहाँ मैंने हाथी, घोड़े, चीते, बंदर, भालू, तोते, कुत्ते आदि भी देखे।
फिर शेर बताता है कि किस तरह उसे वहाँ पर परेशान किया जाता था, खाने को भी बहुत कम दिया जाता था और उसे पीटा जाता था और सर्कस दिखाने के लिए कहा जाता था। और वहाँ पर कई सारे जानवर और थे, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, कई सारे बंदर, चीता और तोते, उन सबको वे तमाशा का दिखाने का प्रशिक्षण देने के समय बहुत यातनाएं देते हैं। सबसे अधिक यातनाएं उसी पशु को मिलती हैं जो उनकी बात मानने से मना करता है। आप सभी को मनुष्य से सावधान रहने की आवश्यकता है। वे लोग दल बनाकर बंदूक के लिए वनों में घूमते हैं, वन्य पशुओं का शिकार करते हैं, वन काटकर हमें बेघर करते हैं, जीवित रूप से पकड़कर हम पर विभिन्न प्रकार से अत्याचार करते हैं। मैं बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो अब जो शेर है वो बताता है कि किस तरह उसे यातनाएं मिली थी, वहाँ पर और भी जो जानवर हैं उनको भी यातनाएं दी जाती हैं अगर वो तमाशा करने से मना कर दें। और ये लोग जो हैं वो दल बनाकर जंगल में आते हैं, लोगों को का उन पक्षियों का शिकार करते हैं और उन्हें वन काटकर घर से बेघर कर देते हैं। अब भालू महाशय अपने विचारों से आपको अवगत कराएंगे। तो शेर वहाँ से फिर चला जाता है ये बोलते हुए कि अब भालू महाशय क्या करेंगे, आपको अपने विचार बताएंगे। बंधुओं, अब भालू आते हैं, बंधुओं में आपका अधिक समय न लेते हुए भालुओं पर होने वाले अत्याचारों के विषय में आपको बताऊंगा। हम मनुष्य को किसी प्रकार की पीड़ा पहुंचाने उसके घर नहीं जाते, परंतु वह वनों में आकर हम पर भांति भांति के अत्याचार करता है। मैं जब छोटा था एक मदारी मुझे पकड़कर ले गया। उसने मेरी नाक में नकेल डाली और चमड़े के पट्टे से मुंह बांध दिया। वह दिन भर मुझे लिए गांव-गांव भटकता था, मेरा तमाशा दिखाता और पैसे कमाता, अपनी जीविका चलाता। मुझे उसने भूखा मारा, मुंह बंधा हुआ होने से मैं क्या खा पी सकता था। आप अनुमान लगा सकते हैं मेरा जीवन घोर यातना से गुजरा। एक दिन पशुओं की भलाई के लिए बनी एक स्वयंसेवी संस्था ने यह सब देख लिया और मुझे आज़ाद करवाया। इस कारण आज मैं आपके सामने हूँ। भाइयों, मनुष्य प्रकृति के हर जीव का उसकी उपयोगिता अनुसार दोहन करता है। तो अब भालू बताता है कि एक बार उसे क्या हुआ था, एक मदारी पकड़ कर ले गया था और उस पर कितने अत्याचार किए, उसकी नाक में एक नकेल डाल ली और चमड़े की पट्टी से उसका मुंह बांध दिया, उसे खाने को भी नहीं दिया क्योंकि वो पट्टी बंधे होने की वजह से वो कुछ खा भी नहीं पाता था और उसे भूखा मारता था, उसे तमाशा दिखाता था और अपने लिए पैसे कमाता था। तो किस तरह मनुष्य जो है अपने स्वार्थ के लिए जानवरों का उपयोग करता है। इस कारण भालू ने कहा, मनुष्य प्रकृति के हर जीव का उसकी उपयोगिता अनुसार दोहन करता है, यानी जिस तरह का जीव होता है उसी की तरह उसको इस्तेमाल करके उपयोग करता है, उससे सावधान रहने की आवश्यकता है, यह कहकर बैठ जाता है। फिर वो भालू क्या करता है, बैठ जाता है सारी बात अपनी कहकर। फिर जराव आता है, अब वानर महाशय अपने विचार आपके सामने रखेंगे। तो अब जिराफ बोलता है कि अब वानर माने बंदर महाशय आपके सामने अपने बारे में बताएंगे। अब वानर आते हैं, भाइयों, मनुष्य के किसी भी बच्चे से पूछो, मेरे विषय में बता देगा। मनुष्य में मेरे वंशजों को और मेरी जाति को जो यातनाएं दी हैं उसका कहाँ तक वर्णन करूं। मेरी जाति को रस्सी में बांधे हुए मदारी मीलों तक लिए फिरते हैं, उनका तमाशा बनाकर अपने परिवार का जीवन निर्वाह करते हैं। मेरे लिए खाने को मदारी के पास कुछ नहीं बचता, ज़रा ज़रा सी बात पर मुझे पीटता है। तमाशे के समय कोई तमाशबीन मुझे कुछ खाने को देता है तो खा लेता हूँ, वरना मदारी पहले स्वयं कुछ खाता है और यदि बच जाता है तो झूठन मुझे देता है। विभिन्न अवसरों पर लोग मेरी जाति को हनुमान जी का वंश समझकर पूछते हैं और उसका यह पुरस्कार देते हैं कि मेरी जाति तमाशा दिखाए और यातनाएं झेले। इतना कहकर वानर बैठ जाता है, मतलब बंदर बताता है कि किस तरह उसे तमाशों में ले जाया जाता है और उसे मारा पीटा जाता है और उसे खाने को तभी मिल पाता है जब कोई
उसे बंदर को कुछ खाने को देता है, वरना मदारी तो उसे कुछ भी खाने को नहीं देता है। जबकि हमारे पूर्वजों में जो बंदर है उनको हनुमान जी का वंशज मानकर पूजते हैं, लेकिन फिर भी क्या किया जाता है, उन्हीं बंदरों का हम तमाशा दिखाते हैं। जिराफ। भाइयों, अनेक वक्ताओं ने आपके सामने अपने विचार लिखे। इस विषय में मुझे यही कहना है कि हम अपने प्राकृतिक वातावरण में रहना चाहते हैं, उन्हें नगर गांव और हमें वन चाहिए। हमारा उनसे कोई विरोध नहीं है, वे ही हमारे वनों में आकर हमारी हत्या करते हैं अथवा हमारा अपहरण करके ले जाते हैं। अब से सभी वनवासियों को पूर्ण रूप से सावधान रहना होगा। कहीं भी मनुष्य दिखाई दे, सभी शोर मचाकर जंगल सिर पर उठा लें और हमला करने के लिए उसकी ओर दौड़ें। उसे जंगल छोड़ने पर मजबूर कर दें। अब मैं पक्षियों से कहना चाहता हूँ, क्या उन्हें अपने विषय में कुछ कहना है? तो टाटाएँ टाए करने लगता है। अब जो जिराफ है वो बताता है कि किस तरह जो मनुष्य हैं वो हमारे जंगलों में आकर हमारी हत्या करते हैं और हमारा अपहरण करते हैं। तो हम पशुओं को कुछ नहीं चाहिए, केवल क्या चाहिए कि जो मनुष्य है वो अपने गांव और नगर में रहे और हमें हमारे जंगल में सुकून से रहने दे और हमें जंगल छोड़ने पर मजबूर ना करे। तो फिर वो जिराफ बोलता है कि क्या कुछ पक्षियों में से भी कोई कुछ कहना चाहता है? तभी तोता टाएँ टाएँ करने लगता है। तोता, भाइयों, मुझे लगता है कि संसार भर में मेरी अनेक सुंदर व अलग अलग रंग रूप की प्रजातियां हैं। मनुष्य अपने घरों की रौनक बढ़ाने के लिए मेरी जाति को पिंजरों में बंद रखता है। पिंजरा चाहे सोने का हो, क्यों, क्या उस परतंत्र जीवन में कोई प्रसन्न रह सकता है? मेरी जाति एक बार पिंजरे में जाने पर वहीं प्राण त्याग देती है। भला तोतों ने मनुष्य का क्या बिगाड़ा? कोई हमारी गलती तो बताए। मनुष्य यह मानता है कि संसार में सभी जीव उसके गुलाम हैं, वही उसका भगवान है। महानुभवो, हम कोई भी रीति अपनी रक्षा की अपनी अपना लें, मनुष्य उन सबको विखंडित करके मनमानी करेगा ही। वह सदा ही हम पर अत्याचार करता आया है। वह तो अपनी ही जाति के लोगों को किसी न किसी रूप में गुलाम बनाकर रखता है। एक और अनेक मानवीय संस्थाएं वनों और पशु पक्षियों की रक्षा का बीड़ा उठाती हैं, दूसरी ओर अत्याचारी लोग हमारी टो में लगे रहते हैं। यहाँ तक कि बच्चे भी छोटी छोटी बंदूरें के लेकर हमारा शिकार करते हैं। हम पक्षी तो बेबस हैं, कहाँ जाएँ, क्या करें? तभी घनघोर घटा छा जाती है और बिजली कड़कती है, जमकर पानी बरसने लगता है। आगामी सूचना तक सभा विसर्जित कर दी जाती है। तो अब तोता जो है वो अपने बारे में बताता है कि किस तरह उसकी अनेक प्रजातियां हैं, लेकिन सभी प्रजातियों को मनुष्य क्या करता है, अपने पिंजरों में बंद कर लेता है। तो क्या तोता पूछता है, प्रश्न करता है कि क्या बंद रहने से यानी हम स्वतंत्र नहीं हैं? तो क्या ये भले ही सोने का पिंजरा क्यों ना हो, लेकिन जब तक हम स्वतंत्र नहीं हैं हम खुश नहीं हैं। तो मनुष्य का हमने क्या बिगाड़ा है जो वो हमें ले जाता है और हमें पिंजरों में बंद कर देता है? और ये हम पर कब तक अत्याचार चलेगा? वो तो हम पर करता आया है और हमेशा करते ही रहेंगे। और मनुष्य जाति जो है वो क्या है, अपने ही लोगों को नहीं छोड़ती, अपने ही लोगों को गुलाम बनाकर रखती है। और बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो पशु पक्षियों का को सुरक्षा देने का बीड़ा उठाती हैं, लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग अत्याचारी हैं जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और यहाँ तक कि बच्चे भी बंदूक लेकर इन पक्षियों का शिकार करती हैं और ये पक्षी कुछ नहीं कर पाते। तभी क्या होता है, घनघोर गड्ढा छा जाती है और बारिश होने लगती है और जमकर पानी आता है, तभी सभा विसर्जित कर दी जाती है। तो इस तरीके से आपको बताया गया कि पशुओं की महासभा हुई और सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए कि शेर को क्या यातनाएं मिली, भालू को क्या यातनाएं मिली, तोते को, बंदर को, सभी ने अपनी परेशानियां व्यक्त की। तो इस पाठ से हमें सीखना चाहिए कि हमें बंदरों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, किसी को पिंजरे में बंद नहीं रखना चाहिए।